हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक मेरी प्यारी सी व्यूवर्स है पूजा दत्ता, तो उन्होंने 2 केजी का मेजरमेंट पूछा था, तो 2 केजी बिरयानी बना रही हूं मैं। यहां पर मटन बिरयानी बनाने के लिए यहां पर मैंने 2 केजी मटन लिया और पीसेस ना बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से वॉश करके बड़े से बॉल में मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ मटन को धोकर अच्छे से बड़े से बॉल में ऐड कर दिया है और इसके अंदर 2.5 बड़ी चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड किया है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, कम या ज़्यादा। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, 1.5 बड़ी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ी चम्मच बिरयानी गर्म मसाला। ये मेरा होममेड बिरयानी गर्म मसाला है, इसकी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। और इन सारे पाउडर मसाले नमक को मैं मटन के अंदर ऐड कर दूंगी। 2.5 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे मटन के अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और इसके अंदर मैं 100 ग्राम दही ऐड करूंगी। दही हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए और इसे मैं ऐड कर दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और मिक्स करने के बाद इसे कम से कम 2.5 घंटा मैरिनेशन में रखूंगी। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जितना देर मैरिनेशन में रहेगा बिरयानी हमारी उतनी टेस्टी और यम्मी बनेगी। 2 केजी आलू लिया है, इसे अच्छे से छिलकर वॉश कर लिया है और यहाँ मैं नेट में रखी हूँ बड़े साइज का आलू है। 1 बड़ी चम्मच रेड चिली पाउडर, तीखा कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। और 1 छोटी चम्मच शुगर है और 1 छोटी चम्मच बिरयानी गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, और 1 छोटी चम्मच ज़ाफ़रानी रंग, 2 बड़ी चम्मच दही और 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आलू को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा कुकर लिया है, इसके अंदर मैं आलू को ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो आलू को फ्राई करके भी बना सकते हैं या हांडी में ही गला सकते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं कुकर में इसे ऐड कर दूंगी। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर सारे पाउडर मसाले, दही, नमक को भी ऐड कर दूंगी। 2 बड़ी चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। मिर्च मसाले, नमक, ऑयल, दही ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी और हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगा लूंगी, क्योंकि हमें आलू 50% ही कुक करना है और 50% दम पर पकेगा। मेरे पास वक्त कम है, मैं कुकर में बना रही हूँ। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे हांडी में भी गला सकते हैं। और यह ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद मैं सीटी दिलाने के बबाद आपको दिखलाती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसमें से ही मैं बिरिस्ता भी निकालूंगी और इससे मटन भी तैयार करूंगी। इसे बारीक काट लिया है। बिरयानी राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 केजी वेलनेस बिरयानी राइस लिया है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का राइस है। इसे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ मैं पहले से ऐड कर दी हूँ और बिरयानी राइस जब भी यूज़ करें अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। मेरे कहने पर आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और राइस को अच्छे से मैं वॉश करके कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर रखूँगी, उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी। तो आप एक दफ़ा इस राइस को ज़रूर ट्राई करें। 2 सीटी लग गया है, आलू तैयार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आलू नहीं गला है, 50% ही आलू को गलाया है मैंने और 50% दम पर पकाएंगे, तो और तैयारी कर लेते हैं। इसे मैं साइड में रख दूंगी। ये सारे साबुत मसाले चावल के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 7 पीस इलायची, 1 छोटी चम्मच शाही ज़ीरा, 10 से 15 लौंग, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है और इसे मैंने यहाँ पर तोड़ लिया है, और 6 से 7 तेजपत्ता है। इन सारे साबुत मसालों का आप पोटली भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इनका अर्क चाहिए, लेकिन मैं इसे नेट में ऐड करूंगी हमेशा की तरह। इसके अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे और पोटली भी तैयार है। तो इसे जब चावल बनाने के लिए पानी तैयार करेंगे, पानी के अंदर ऐड करेंगे, तो इसे मैं साइड में रख दूंगी। मटन को बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुकर रख दी हूँ, कुकर काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है और आप हांडी में भी मटन को बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त लग जाता है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट कुकर में ही तैयार करूंगी।
और इसके अंदर मैं एक बड़ी कप भरकर मस्टर्ड ऑयल ऐड करूंगी। आप रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं और उसे मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी। ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया और इसके अंदर मैं हाफ कप घी ऐड करूंगी। घी और ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पर मैं कुछ साबुत मसाले ऐड करूँगी। 3 पीस इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 3 तेज़पत्ता इसे ऐड कर दूँगी और 1 सेकंड के बाद प्याज भी ऐड करूँगी। प्याज ऐड करने के बाद बचे हुए प्याज का रिश्ता तैयार कर लेंगे। हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसका कच्चापन को दूर करना है, इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है। और 1 पीस बड़ी इलायची ऐड करूंगी और चला लूंगी। तो यहाँ बस हमें प्याज के से कच्चेपन को दूर करना था। तो यहाँ 5 मिनट हो गया है हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई करते हुए, और इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। बस इसका कलर इतना ही होना चाहिए और इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ मटन को ऐड करेंगे। तो यहाँ 4 घंटा हो गया है मैरिनेट किए हुए मटन को। मटन काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मैरिनेट हो गया है और इसे मैं प्याज के अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे मटन को ऐड कर दी हूँ और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मटन को अच्छे से मिक्स कर दी, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। और ये वही मसाले वाला पानी है जिसके अंदर हम लोगों ने मटन को ऐड किया था, और इससे ज़्यादा मैं पानी ऐड नहीं करना है। और पानी ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर 9 से 10 सीटी लगा लेंगे, क्योंकि मटन को हमें 80% पकाना है और 20% हम दम पर पकाएंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और इसके अंदर हमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसे हमें भुनना है। अगर हम लोग ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो भुनने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। कुकर को कवर कर देंगे, जब तक मटन पक रहा है चावल पकाने की तैयारी कर लेंगे। यहाँ मैं चावल के लिए पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और साथ में नमक और नेट को भी ऐड कर दी हूँ, यानी कि मसाले की पोटली को ऐड करना है। और इसे बॉयल आने तक कवर कर दूंगी और फ्लेम को मैं हाई रखी हूँ। पानी में बॉयल आ जाएगा तब इसके अंदर हम लोग चावल ऐड करेंगे। ढक्कन को खोलकर देख लेंगे, पानी में काफ़ी अच्छे से बॉयल आ गया है। और इसके अंदर से नेट को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि पोटली को बाहर कर लेना है क्योंकि हमें अर्क चाहिए और चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चावल ऐड कर दी और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और इसे मैं कवर कर दूंगी बॉयल आने तक। और चावल यहाँ मैं 75% पकाकर छान लूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो इसके लिए मैं यहाँ पर छान कर रख लूंगी। यहाँ मटन बनकर तैयार है, स्टीम भी निकल गई है। एक दफ़ा मैं कुकर के ढक्कन को खोलकर दिखला दूंगी आपको। तो ज़रा सा पानी है, इसे मैं चला लूँगी और आप यहां देख सकते हैं कितना इजी है इस मटन बिरयानी को बनाना। तो आप मेरे तरीके से इसे ज़रूर बनाएं। और इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूंगी बड़े से हांडी में जिसमें हम खाना दम पर लगाएंगे। तो इसे मैं जल्दी से ट्रांसफ़र कर लूंगी। तो यहां मैं आपको मटन को दिखला दूंगी। काफ़ी अच्छे से मटन यहां पर गलकर तैयार है, बहुत ज़्यादा नहीं गला है। और जो नहीं गला है उसे हम दम पर गलाएंगे। तो इसे मैं जल्दी से ट्रांसफ़र कर लूंगी और हाई फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट लगेगा चलाते हुए भून लूंगी। तो जिस हांडी में हमें खाना दम के लिए रखना है उसी में मैं ट्रांसफ़र की हूँ और इसे चलाते हुए भून लूंगी। ज़रा सा पानी हमें इसके खुश्क करना है। जब तक मटन यहाँ पर भून रहा है दूसरी तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप मिल्क लिया है और ये ठंडा मिल्क है, और रिश्ता भी तैयार है, इसे साइड में रख देंगे। एक बॉल लेंगे और ज़रा सा मिल्क ऐड करेंगे और बाकी मिल्क को साइड में रखेंगे। मिल्क वाले बॉल में 1/2 छोटी चम्मच बिरयानी गरम मसाला ऐड करेंगे, और साथ में मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी, 1 छोटी चम्मच केवड़ा वाटर ऐड करूँगी और इसे भी मैं बॉल के अंदर ऐड कर दूँगी। केवड़ा वाटर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 5 से 6 ड्रॉप मीठा मुगलाई इतर का ऐड करूँगी और इसे मैं मिल्क के अंदर ही ऐड कर दूंगी, और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं साइड में रख दूंगी।
चावल बनकर तैयार है, एक एक दाना खिला खिला सा बना है। तो आप एक दफ़ा वेलनेस राइस ज़रूर यूज़ करें और बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। तो इसे मैं साइड में रख लूँगी, दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक लेमन जूस लिया है, अगर बड़े साइज़ का हो तो हाफ लेंगे, छोटा हो तो एक लेंगे। और यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच रोज़ वाटर लिया है और इसके अंदर हाफ छोटी चम्मच येलो ज़ाफ़रानी रंग ऐड किया है। आपके पास जो ज़ाफ़रानी रंग है आप उसे यूज़ करेंगे और इसे मैं साइड में रख दूँगी। 25 ग्राम मावा लेंगे और इसे मैंने यहाँ पे तोड़ लिया है। तो यहाँ मटन बनकर तैयार है, बस हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए क्योंकि खाने को दम देना है। तो यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और खाना दम की तैयारी करूँगी। 3 बड़ी चम्मच फटी हुई दही ऐड करेंगे और मिक्स किया हुआ मिल्क ऐड करेंगे, रिश्ता ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे। स्किप मिसिंग है इसी के लिए मैं बता रही हूँ। मैं ऐड करूँगी 1/2 छोटी चम्मच बिरयानी गर्म मसाला और 1/2 छोटी चम्मच चावल के ऊपर ऐड करूँगी। मावा, लेमन जूस और बिरयानी गर्म मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं 5 से 6 आलू बुखारा ऐड कर दूँगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर आलू ऐड कर दूँगी। आलू ऐड करने के बाद ज़रा सा इसके ऊपर मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क ऐड करने के बाद इसे हिला डुला लेंगे और फिर चावल इसके ऊपर ऐड कर देंगे। सारे चावल को ऐड कर दी हूँ और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मैं चारों तरफ से दबाते हुए फैला दूंगी और इसे अच्छे से दबा दूंगी। ये ज़रूर करें क्योंकि इससे ही खाना में काफ़ी अच्छा दम लगता है ऐसे करने से। और इसके अंदर दूध ऐड की हूँ तो मैं यहाँ पर पूरा 1.5 कप दूध ले रही हूँ। इस कप से कॉफ़ी मग है ये बड़े वाला और इस चावल के ऊपर अच्छे से फैलाते हुए मैं ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद 1/2 छोटी चम्मच बिरयानी गर्म मसाला इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी। बिरयानी गर्म मसाला ऐड करने के बाद 3 से 4 बड़ी चम्मच चावल के ऊपर घी ऐड करेंगे और रिश्ता जो फ्राई किया गया था उसका बचा हुआ भी ज़रा सा घी है उसे भी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने के बाद बचा हुआ रिश्ता को ऐड कर देंगे और बहुत इजी है इस मटन बिरयानी को बनाना और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसे अच्छे से कवर कर देंगे। आप चाहे तो इसे आटा से भी कवर कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ कपड़ा लगाकर कवर करूँगी, कहीं से भी एयर बाहर नहीं आती है। और इसके ऊपर वज़न रख दूँगी और इसे मैं फ्लेम पर रखूँगी दम के लिए। 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर इसे दम देंगे। 5 मिनट हो गया हाई फ्लेम पर बिरयानी को दम देते हुए, फ्लेम को यहाँ बिल्कुल लो कर देंगे और छोटे वाले बर्नर पर 45 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और 45 मिनट होने के बाद 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर देखेंगे। 45 मिनट हो गया है, काफ़ी अच्छे से बिरयानी में दम लग गया है और फ्लेम को मैं पहले ही ऑफ़ कर दी हूँ और 5 मिनट भी हो गया है इसे दम पे रखते हुए। एक दफ़ा मैं खोलकर देख लूँगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसे मैं सर्व करूँगी। सर्व करने से पहले एक दफ़ा आप चम्मच का बेट डालकर देख लें कहीं पर यखनी है या नहीं, तो बहुत अच्छे से दम लगा है पहले ही मैं देख चुकी हूँ। तो यहाँ मैं बिरयानी को सर्व कर लूँगी और सर्व करने से पहले चावल को एक तरफ कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। और बहुत टेस्टी और लजीज बनकर बिरयानी तैयार हुई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसे मैं जल्दी से सर्व कर लूँगी, एक एक दाना में बहुत यम्मी सा टेस्ट है और एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला सा बना है। तो यहाँ बहुत इजी तरीके से 2 kg का मटन बिरयानी किस तरह से बना सकते हैं आप घर पर, तो मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं और इसे सैलेड रायता किसी के साथ सर्व करें, सबके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।